इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं एक और वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर हम लेकर के आए हैं अपडेट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन मुंबई में जो स्थापित है वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो क्या कुछ इस वैकेंसी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ दोस्तों हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर असिस्टेंट लेक्चरर, टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी और लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के बारे में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों। और इसकी वेबसाइट पर ही ये जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करके निकालना पड़ेगा। और सेल्फ अटेस्टेड करके कर साथ साथ आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपको जो फॉर्म है वो आपको वो फिल करके आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है इस तरीके से निकलने वाला है इसका ऑफलाइन। क्या कुछ इसमें योग्यता है उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप पूरी जानकारी दे दें। तो इस तरीके से जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो सब बता दें आपको। तो यहाँ हम बता दें आपको कि ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट लेक्चरर में 8 पोस्ट है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क उसमें 7 पोस्ट है, उसमें जनरल में 2 है, जनरल पीएच में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है, और टीचिंग एसोसिएट में भी कॉन्ट्रेक्चुअल है ये, तो ये संविदा इस पे है, ये 6 पोस्ट वाली है। इसमें पे लेवल 2 रहेगा आपको लोअर डिवीजन क्लर्क में, और 28 तक एज लिमिट होनी चाहिए। 28/11/2022 तक आप 28 के हो रहे हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भराइए। और एसटी एससी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें 35 साल तक है, लेकिन इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हॉस्पिटल टूरिज्म हॉस्पिटल या टूरिज्म के, या फिर एमबीए किया हुआ हो आपने, एमबीए के साथ साथ आपको प्लस फुल टाइम का आपने हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में कुछ भी आपके पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, 55% के साथ आपको जो है किया हुआ होना चाहिए। आपका जो डिग्री है वो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, और इस नॉर्म के अनुसार होनी चाहिए। और एक अगर हम बात करें ये जो आपका ये जो एलडीसी है, एलडीसी में तो एलडीसी बता दें आपको 12th ही मांगा गया है। 12th के साथ टाइपिंग 40 की आनी चाहिए, आपको 40 की आनी चाहिए। ड्राइवल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर लिखा है, लेकिन ये ड्राइवल है एसेंशियल में बताएं तो वो बहुत जरूरी है। 12th के साथ 45 की स्पीड, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। और आप इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ इसके बारे में बताएं, आपको ₹500 इसमें फीस लगने वाली है। एज लिमिट के बारे में बता ही दिया आपको, ₹500 फीस रहेगी। और साथ ही साथ ये जो फॉर्म है वो 28 नवंबर तक 5 बजे तक पहुंचाना चाहिए। ऑफलाइन है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको जो जानकारी है वो लिफाफे के ऊपर आपको एक चीज पहुंचाना पड़ेगा लिख करके। लिफाफे पे क्या लिखना है तो लिफाफे में बता दें आपको, सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी अप्लाइड न्यूट्रिशन ऑन द अबव ऑफ एड्रेस, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ₹500 फीस लगेगी, और फेवर में किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये मुंबई के फेवर में रहेगा, ये जानकारी हमने आपको दे दी। रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट इसमें होने वाला है। तो ये वीडियो में हम आपको इतना ही जानकारी देंगे, और इसका फॉर्म भी आपको खोल के बता देते हैं। इस फॉर्म खोलने को आपको क्या कुछ मिलेगा तो हम बता दें कि इस तरीके से जो फॉर्म अगर खोलते हैं तो ये लोअर डिवीजन क्लर्क का वेबसाइट पर आप खुद भी जाइए, आपको भी मिल जाएगा और आपको खुद भी देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से फॉर्म रहेगा, नेम, एड्रेस, एज, कैटेगरी, एड्रेस के अलावा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं, ड्यूली अटेस्टेड फॉर्म, गजेटेड ऑफिसर से भी आपको लास्ट पे स्लिप जिसमें लग रही है उसमें, इसमें नहीं लग रही, एक्सपीरियंस जिसके लिए मांगा है उसमें भी बताना है आपको ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। और अब आप यदि आप पहला ही काम करते हैं तो सब डाल सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ों का लिखा हुआ है। तो ये डोर डिवीजन क्लर्क के लिए है, फोटो लगा देना, नाम वगैरह दे देना और एड्रेस वगैरह लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें, और इस चैनल बनाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।